नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का आज शाम मिशन टाउन हॉल, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हजारों लोगों से करेंगे सीधी बात, केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में देंगे जानकारी। विजय माल्या के खिलाफ चेक बाउंस मामले में गैर जमानती वारंट जारी, दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने 4 नवंबर को पेशी का सुनाया फरमान, सरकार से माल्या पर दबाव बनाने की अपील। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायक दहशत में, विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांगी सुरक्षा, कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने का किया अनुरोध। कश्मीर हिंसा के मामले में उमर अब्दुल्ला का पीएम मोदी पर निशाना, जानबूझकर चुप्पी साधने का लगाया आरोप, प्रदेश सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। और भारत की महिला तीरंदाजी टीम ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची, तीरंदाज दीपिका कुमारी, लेशराम बोम्बालिया देवी और लक्ष्मी रानी मांझी ने दिखाए अपने हुनर। केंद्र सरकार के mygovernment.in के 2 साल पूरे होने का जश्न टाउन हॉल में हो रहा है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज सुबह से ही आइडियाज पर चर्चाओं, सुझावों और बातचीत के दौर चालू हैं। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के असर और कसर पर खुलकर बात हो रही है। शाम को टाउन हॉल नामक सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद MyGov वेब पोर्टल पर अपने सुझाव, शिकायत और टिप्पणियां करने वालों से मन की बात की तर्ज पर सीधी बातचीत करेंगे। यानी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए 2 साल पहले शुरू हुए सफर में मील के पत्थर पर ठहर कर सरकार और जनता देख रही है कि सफर कैसा रहा। इससे मोदी सरकार की ढेर दर्जन से भी ज्यादा फ्लैगशिप योजनाओं के गुण दोष पर चर्चा हो रही है। देश भर से आए 2000 लोगों के साथ विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और मंत्री दिन भर चर्चाएं कर रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में शराब व्यापारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो माल्या की भारत वापसी के लिए दबाव बनाए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश होने का फरमान भी सुनाया है। अदालत ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वो लंदन में रह रहे माल्या को वारंट भेजे। अदालत ने कहा कि बार बार फरमान सुनाए जाने के बावजूद माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, उनकी पेशी के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। वही माल्या के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल देश लौटने की हालत में नहीं है, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उनसे सुरक्षा मांगी है। विधायकों ने कहा है जिस तरह का दिल्ली का माहौल है उसे देखते हुए उन्हें खतरा है, इसलिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल से मदद मांगी है। विधायकों ने कहा है उनके कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए जिससे कार्यालय में होने वाली गतिविधियों को कैमरे में कैद किया जा सके। लगातार शिकायतों के आ रहे मामलों से विधायक इस बात को लेकर चिंतित है कि तमाम लोग उनसे मिलने आते हैं, कोई कुछ आरोप लगा सकता है, जिसको लेकर विधानसभा सचिवालय गंभीरता से विचार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया है और उसे दिल तोड़ने वाली और चिंताजनक करार दिया है। उमर ने कल देर रात ट्विटर पर लिखा, दिल तोड़ने वाली और चिंताजनक, केंद्र यहां संकट को लेकर कब जागेगा। वो कल हिंसक प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3 लोगों के मारे जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कल घाटी में सुधार संबंधी केंद्र के दावे को लेकर निशाना साधा था। उमर ने लिखा, एक और दुर्भाग्यपूर्ण मौत, आज अनगिनत लोग घायल हुए और केंद्र माननीय उच्चतम न्यायालय को बताता है कि चीजें सुधर रही है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी को राज्य घोषित करने की मांग से जुड़े दिल्ली सरकार के दीवानी मुकदमे और उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख ठहराने वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सरकार की अपील की एक साथ सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि वे उच्च न्यायालय के गुरुवार के निर्णय के खिलाफ जल्द ही एक याचिका दायर करेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले को 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। आप सरकार का अनुच्छेद 131 के तहत दीवानी मुकदमा जब सुनवाई के लिए आया तो पीठ ने कहा कि आप सरकार को मूल दीवानी मुकदमे को आगे बढ़ाने के बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर करनी चाहिए।
दिल्ली की ही तरह पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल और सरकार के बीच खटपट शुरू हो गई है। यहाँ की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल ताजा लड़ाई एक व्हाट्सएप ग्रुप के बनने के बाद शुरू हुई है। ये व्हाट्सएप ग्रुप किरण बेदी ने बनाया है। इस ग्रुप में उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों को तो शामिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को दरकिनार कर दिया। ये बात नारायण स्वामी को पसंद नहीं आ रही। इसके बाद नारायण स्वामी ने सभी सरकारी अधिकारियों को चेताया है कि वे सोशल मीडिया पर मिल रहे ऑर्डर्स की जगह उनकी बात को फॉलो करें। नारायण स्वामी ने इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के उलट उनके राज्य में मुख्यमंत्री को ज्यादा शक्ति मिली हुई है। शिवसेना ने महार त्रासदी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें दुर्घटना स्थलों के हवाई दौरों को रोकना चाहिए, और उसने पालक मंत्रियों को राज्य के भीतर विमान से उड़ान भरने से रोकने की मांग की ताकि मंत्री महाराष्ट्र की सड़कों एवं पुलों की हालत समझ सके। शिवसेना ने यह भी कहा कि सरकार का महत्वाकांक्षी मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रम अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों एवं पुलों के निर्माण के साथ शुरू होना चाहिए, जिनके अभाव में कोई भी अन्य देश यहां निवेश करने का इच्छुक नहीं होगा। उसने कहा, एक दूसरे पर दोषारोपण करने और महाराष्ट्रवादी पर केवल बैठके करने के बजाय इस फैसले पर गंभीर विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत की महिला तीरंदाजी टीम ने 31वें ओलंपिक खेलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम में दीपिका कुमारी, लेशराम बोम्बाले देवी और लक्ष्मी रानी माझी शामिल है। दीपिका ने कुल 640 अंक हासिल किए, जबकि बोम्बाले ने 638 और लक्ष्मी ने 614 अंक जुटाए। भारत ने कुल 1982 अंक प्राप्त किए। व्यक्तिगत तौर पर 64 तीरंदाजों के बीच दीपिका 20वें स्थान पर रही, जबकि बोम्बालिया ने 24वें और लक्ष्मी ने 43वें स्थान हासिल किया। दीपिका और बोम्बालिया व्यक्तिगत रैंकिंग के आधार पर अंतिम 32 दौर में पहुंच गई, लेकिन लक्ष्मी ये मौका चूक गई। दक्षिण कोरिया की तीरंदाजों ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। ग्रुप स्तर पर भी कोरियाई तीरंदाजों ने बाजी मारी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ सकती है। हाल ही में रेप पीड़िता का नाम उजागर करने पर स्वाति मालीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। अब स्वाति मालीवाल के खिलाफ ACB में शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ACB में शिकायत दर्ज कराई है। एक वरिष्ठ ACB अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि सहगल ने शिकायत दर्ज कराई है और इसको देखा जा रहा है। इससे पहले सहगल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मालीवाल ने एक निजी क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी कर पद का दुरुपयोग किया। जयपुर कांग्रेस ने राजस्थान में गायों के मरने और खराब स्थिति के लिए BJP सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जिला कमेटी ने गायों की रक्षा के लिए शनिवार को पहले एक महाआरती और इसके बाद गोरक्षा पदयात्रा आयोजित किया है। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास नगे पांव करेंगे। बताते चले कि हिंगोनिया गोजातिया पशु पुनर्वास केंद्र में बीते कुछ दिनों में कई गायों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए जिला कमेटी ने बीमार गायों के बचाव के लिए अभियान चलाने की मांग की है। जयपुर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि हिंगोनिया गौशाला में हर दिन सैकड़ों गायों की मौत हो रही है, जिससे कांग्रेस आहत है और इसके विरोध में गोरक्षा यात्रा निकाली जाएंगी। JDU नेता शरद यादव ने देश में बेरोजगारी बढ़ने की तुलना कांवड़ियों की भीड़ से करके विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल कानपुर में JDU की रैली के लिए पहुंचे शरद यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसका उदाहरण कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ से साफ साफ देखा जा सकता है। शरद यादव ने ये बयान घाटमपुर में JDU की जनसभा से पहले सर्किट हाउस में दिया। शरद ने कहा कि कांवड़ियों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। इनके पास काम होता तो ये सड़कों पर नहीं दिखते। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन पर शरद ने कहा कि उनकी समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सपा को बिहार में परख चुके हैं, इसलिए किसी सूरत में उसके साथ गठबंधन नहीं होगा। अभी अभी ये जो कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवरिये बड़े पैमाने में निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्योहार में जो पानी ढालने वाले हैं
सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी का वहाँ देख सकते हैं आप। बड़ी भीड़ बढ़ रही है कांवरी है, वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यदि मोलों को काम होता तो। वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड के दौरान चट्टान गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, वही 7 लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में एक बच्चा और एक महिला शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये घटना अर्धकुंवारी मंदिर के पास हुई, जिसमें एक शख्स की मौत मौके पर ही मौत हो गई है। वही ज्यादातर श्रद्धालुओं को सिर में चोटें आई हैं। जिस जगह ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां से वैष्णो देवी मंदिर करीब 6 किलोमीटर दूर है। घायलों को कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि घटना उस वक्त हुई जब श्रद्धालु मां वैष्णो के दर्शन के लिए गुफा की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग का दौर जारी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हिलेरी क्लिंटन और उनके ओपोनेंट रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप वोटर्स को लुभाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। कैंपेनिंग के इसी दौर में एक स्पीच के दौरान हिलेरी क्लिंटन अपने ओपोनेंट डोनाल्ड ट्रंप को हस्बैंड बता बैठी। हालांकि वो हस्बैंड शब्द नहीं बोल पाई और खुद को फौरन संभालते हुए कहा, मेरे ओपोनेंट इसी बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने काफ़ी संभल कर आगे की बात कही। उन्होंने अपनी और ट्रंप की पॉलिसीज़ में अंतर को लेकर रिपोर्ट्स को जानकारी दी। बता दें कि हिलेरी के पति का नाम बिल क्लिंटन है। बिल खुद 2 बार US प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।